प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का मकसद है गरीब लोगों तक सस्ती दवाई पहुंचाना, और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मंडावी जी। मनसुख जी, ये जो एक जब शुरू हुआ था प्रधानमंत्री का एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट है दवाई पहुंचाना, औषधि केंद्र खोलना, क्या पूरे पैन इंडिया में क्या पोजीशन है, कितने खोल पाए, क्योंकि हर जिले में खोलने की बात थी। मोदी जी ने पहले से ही गरीब शोषित और वंचितों के लिए सुविधा उपलब्ध हो इस क्षेत्र में काम किया। मोदी जी ने कहा कि देश में कोई गरीब लोग बिना दवाई नहीं मिलने से उसके यहाँ मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। इस बात को चरितार्थ करने के लिए आज देश में जन औषधि केंद्र चलाया जा रहा है। आज देश में 6,500 से ज़्यादा जन औषधि स्टोर है, और 6,500 से ज़्यादा जन औषधि स्टोर के माध्यम से देश में कुल मिला के 735 डिस्ट्रिक्ट है। सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने जन औषधि स्टोर ओपन कर दिया है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट से नीचे जाके आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि 6,500 जन औषधि स्टोर और 750 डिस्ट्रिक्ट ले लो तो एक डिस्ट्रिक्ट में एवरेज 8 से 10 जन औषधि स्टोर ओपन हो चुके हैं। ये जन औषधि स्टोर के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध हो रही है। बात ये भी थी कि अब पहले जिले में होगा, फिर धीरे धीरे ब्लॉक में जाएंगे, तो ये ब्लॉक लेवल में आगे बढ़ने की प्रक्रिया कब होगी, और कब तक लोग जो है ब्लॉक लेवल तक गरीब लोग जो होगा उनको जन औषधि केंद्र का फायदा मिल पाएगा? फर्स्ट स्टेज में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंच गए, ब्लॉक लेवल पर पहुंचना चालू हो गया है। हमने तय किया है कि अगले 3 साल में हम हर ब्लॉक पर एक जन औषधि स्टोर उपलब्ध करवा देंगे, जिसके माध्यम से देश के सभी लोगों को, वहाँ कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, कोई भी लोग आ सकता है, वहाँ उसको जेनरिक क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध होती है, जेनरिक दवाई मिला करती है। तो भारत में जेनरिक दवाओं की स्थिति क्या है, आज की स्थिति आज देश में? आज आप देखो अमेरिका और यूरोप, हम जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका में कुल 6 टैबलेट खाते हैं, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन होती है। मतलब दुनिया हमारे इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन खाते हैं क्योंकि वो सस्ती होती है, क्वालिटी तो वही होती है, और इंडिया में ब्रांडेड मेडिसिन से लोगों को ज़्यादा खर्च होता है। और जब जन औषधि स्टोर नहीं थे उस वक्त देश में जेनरिक मेडिसिन की खपत 2% मार्केट शेयर था। आज जन औषधि स्टोर ओपन हो रहे हैं, देश की जनता में जेनरिक मेडिसिन भी क्वालिटी मेडिसिन होती है, ऐसी पब्लिक में अवेयरनेस आई है, और इसलिए आज जेनरिक मेडिसिन का शेयर 2% से बढ़ के 8% तक हो गया है, और देश की जनता सस्ती और क्वालिटी दवा का उपयोग कर रही है। जन औषधि केंद्र से तो आप दवाई, जेनरिक दवाई पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोविड के दौरान देखा गया कि कुछ दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग हुई, तो उस ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत उम्मीद लोगों को है कि सरकार में कम से कम ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, तो ऐसे में उस ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए जब लोग पहले से कोविड से परेशान हैं, मंत्रालय ने और आपने क्या किया? जन औषधि स्टोर के माध्यम से हमने मार्केट इंटरवेंशन भी किया। जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मार्केट में कमी दिखने लगी तो हमने जन औषधि स्टोर पर बल्क में प्रोक्योर करके, सरकारी तौर पर प्रोक्योर करके, हमारे पास स्टॉक था, इस स्टॉक को उपयोग करके हमने जन औषधि स्टोर पर डाली, और जन औषधि स्टोर पर कोई भी लोग जाते थे तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन मिल जाती थी। जैसे जैसे ऐसी कोई चीज़ हमारे ध्यान में आती है तो हम इंटरवेंशन के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाते हैं, उससे 2 फायदा होता है। एक, मार्केट में फ्लक्चुएटेड नहीं हो जाता है, और लोगों को सस्ती मेडिसिन मिल जाती है, ये उद्देश्य से जन औषधि स्टोर काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद। साफ तौर पे मकसद यही है प्रधानमंत्री का कि किस तरह से गरीब लोगों तक पहुँचे दवाइयाँ, जेनरिक दवाइयाँ पहुँचे, और उस प्रधानमंत्री के एजेंडे को पूरा करने में लगे हैं मनसुख मंडाविया, और उनका कहना है कि अगले 3 साल में हम ब्लॉक लेवल तक पहुँच जाएंगे जन औषधि केंद्र को लेकर। कैमरन धीरज के साथ अमित कुमार, दिल्ली, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।